गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन माई ऑनलाइन होम क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। सो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन फॉर द टीचर्स डे। आप सबका थैंक यू जो आपने बहुत बढ़िया तरीके से हमारा अभिनंदन किया टीचर्स डे पे। जो भी ग्रीटिंग्स आपने ऑनलाइन भेजे उसके लिए आप सबका मेरी ओर से और मेरे कुलीग्स की ओर से बहुत बड़ा थैंक यू। चलिए तो अपना टॉपिक, आज नया टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का नया टॉपिक जो है मैथमेटिक्स का, क्लास 11th का, दैट इज़ बायनॉमियल थ्योरम। तो चलिए बायनॉमियल थ्योरम के जो कंसेप्ट है तो उसको स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। सो कंसेप्ट ऑफ बायनॉमियल थ्योरम, सबसे पहले बायनॉमियल थ्योरम है क्या चीज़, इसकी इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। इन अवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट पॉलीनॉमियल्स। पिछली क्लासेस में आपने पॉलीनॉमियल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, कौन सी पॉलीनॉमियल्स क्या होते हैं, एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए ज़ीरो ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू प्लस वन अप टू ए एन एक्स एन इज कॉल्ड एज पॉलीनॉमियल, वेयर ए ज़ीरो ए वन ए टू ए एन दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट टर्म्स। तो एक्सप्रेशंस किस तरह की, ये ए ज़ीरो ए वन ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब क्या है, जिस तरह थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन एक एक्सप्रेशन है, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वन दूसरी है, थ्री एक्स। तो इस तरह की जितनी भी एक्सप्रेशन है इनको हम कहते हैं पॉलीनॉमियल्स। दीज एक्सप्रेशन आर कॉल्ड एज पॉलीनॉमियल्स। अब ये जो आपने पॉलीनॉमियल्स देखे हैं, इसमें तीन टर्म्स हैं, इसमें दो टर्म्स हैं, इसमें एक टर्म है। सो एन एक्सप्रेशन विच इज़ मेड अप ऑफ विच कंटेन्स वन टर्म इज़ कॉल्ड एज मोनोमियल, जो एक टर्म की बनी है प्लस माइनस से टर्म डिवाइड होती है, बाइफरकेट होती है। सो जो एक टर्म से बनी हुई एक्सप्रेशन है, पॉलीनोमियल है, उसको मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल थ्री एक्स, थ्री एक्स जो है ये एक टर्म से बना तो ये मोनोमियल है। इसी तरह द एक्सप्रेशन विच इज़ मेड अप ऑफ और विच कंटेन्स टू टर्म्स, जिस तरह एन एक्स स्क्वायर नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, नाइन एक्स स्क्वायर एक है और प्लस के बाद जो दूसरी है। सो इस तरह की जो एक्सप्रेशन होती है जिसमें दो टर्में हों उसको हम कहते हैं बाइनॉमियल। तो बाइनॉमियल का मीनिंग समझाया, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू टर्म्स, फॉर एग्जांपल नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक नाइन एक्स स्क्वायर वाली टर्म है प्लस के बाद दूसरी वन, तो दो टर्मों से जो बनी होती है उसको बाइनॉमियल। सिमिलरली एंड द एक्सप्रेशन विच इज़ मेड अप ऑफ थ्री टर्म्स इज कॉल्ड एज ट्राइनॉमियल, जो तीन टर्मों से बनी होती है उसको ट्राइनॉमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारी थी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये हमारा ट्राइनॉमियल था। तो आपने देखा, तो इन जनरल दीज आर कॉल्ड पॉलीनॉमियल्स। सो दीज आर ऑल पॉलीनॉमियल एक्सप्रेशंस। तो सबको इकट्ठे हम कहते हैं पॉलीनॉमियल एक्सप्रेशंस। तो जो एक टर्म की बनी होती है पॉलीनॉमियल एक्सप्रेशन उसको हम मोनोमियल कहते हैं, जो दो टर्मों से बनी हो उसको क्या कहते हैं हम बाइनॉमियल, और जो तीन टर्मों से बनी हो उसको ट्राइनॉमियल। सो थ्री एक्स हमारा एक टर्म से बनी है तो मोनोमियल, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वन की दो टर्मों से बनी है प्लस के बाद टर्म डिसाइड होती है, ये बाइनॉमियल। और थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन की तीन टर्मों से बनी है, एक ए है दूसरी टू एक्स है तीसरी वन है, तो इसको ट्राइनॉमियल कहते हैं। उन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं बाइनॉमियल्स। सो दो टर्मों से बनी हुई जो भी एक्सप्रेशन होती है उसको क्या कहा जाता है बाइनॉमियल। अगेन वी नो हमारे पास एक बाइनॉमियल है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको मालूम है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये भी बायनॉमियल का क्यूब भी हमें मालूम है। सो बायनॉमियल का स्क्वायर भी हमें मालूम है, बायनॉमियल का क्यूब ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी तरह बायनॉमियल का पावर फोर भी हमें मालूम है, पावर टू भी मालूम था, पावर थ्री भी और पावर फोर जो इसका पावर फोर है वो भी मालूम है। सो बायनॉमियल का पावर फोर क्या है, ए फोर प्लस फोर ए क्यूब बी प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी क्यूब प्लस बी फोर। तो ये तो थे ए और बी दो टर्म में और ये बायनॉमियल था, इस बायनॉमियल का पावर टू, बायनॉमियल का पावर थ्री और बायनॉमियल का पावर फोर, इतना तो हम जानते थे। लेकिन इनको एक्सपांड करना थोड़ा इजी है। अर्लियर द एक्सपेंशन ऑफ बायनॉमियल्स वाज इजी ओनली अप टू पावर्स फोर और फाइव। तो पावर फोर तक जाओ या फाइव तक जाओ हम एक्सपेंशन को एक्सपेंड खोल सकते थे, खोलने का मतलब होता है एक्सपेंड करना। लेकिन अगर हायर पावर्स हों, ए प्लस बी का पावर 50 हो, तो इस तरह की एक्सप्रेशन को खोलना बड़ा डिफिकल्ट था। ए प्लस बी का पावर 8 हो,
ए प्लस बी का पावर 10 हो, ए प्लस बी का पावर 20 हो, या ए प्लस बी का पावर 50 हो, तो इस तरह की एक्सप्रेशन को खोलने के लिए, सो बट इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट। तो अप टू पावर 4 एंड 5 तो हम इसको ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं, जो आपने देखा है, बट इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द हायर पावर्स ऑफ बाइनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लस बी का होल 7, ए प्लस बी का पावर 15, ए माइनस बी का पावर 20। तो इस तरह की बाइनोमियल्स को, हायर पावर्स को एक्सपेंड करना थोड़ा मुश्किल था।